हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, MP ITI की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अब आप इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे और अपना सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करोगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ITI की मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ITI की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइट पर विजिट करने के बाद आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ITI काउंसलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एक देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन का। तो 9 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आप ITI कोर्सेज के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा चयन सूची यानी कि मेरिट लिस्ट का। तो आप 3 सितंबर को ये लिस्ट जारी हुई है आज की डेट में, और 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप इस मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। एप्लीकेशन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड आपको शो करेगा, इसे आप टोटल करेंगे 8+8, टोटल आपको यहां पर करके 16 इस प्रकार से आपको एंटर करना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहां पर देख सकते हैं यू आर नॉट अलॉटेड एनी इंस्टीट्यूट इन दिस राउंड, यानी कि इनको इस राउंड में जो है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉलेज प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको इस प्रकार से लिखा आ जाएगा, मैसेज शो कर जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस वीडियो का आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर आप जैसे ही विजिट करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक देख सकते हैं वीडियो मिलेगी MP ITI एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी सीट आवंटन, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वीडियो को आप जैसे ही विजिट करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको डॉक्यूमेंट किस साइज में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है आप अपने जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर पाओगे अगर आपको कॉलेज आवंटित हो गया है तो। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा सीट आवंटन डाउनलोड करने का। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते उस कॉलेज में जो आपको प्राप्त हुआ है तो आपको नीचे एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो है जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसके लिए आपका जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अपडेट कर पाएंगे। तो यही था फ्रेंड एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी ऑल वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।